गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा एक व दो के लिए हिंदी का विषय री की मात्रा। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है री की मात्रा, ठीक है। हम इसे किसी भी वर्ण के नीचे लगा के लिखते हैं, ठीक है। ये है री की मात्रा। तो इसी प्रकार जो ये वर्ण हैं क ग घ त ध न, हमने इन सभी के नीचे री की मात्रा लगा दी, और री की मात्रा लगाने से ये शब्द क्या बन गया, क्री, ये बन गया ग्री, ये बन गया घ्री, और ये बन गया त्री, ये है ध्री, और ये है नृ, ठीक है। तो इस प्रकार ये मात्रा जुड़ने से शब्दों की आवाज भी अंत में री की मात्रा की, री की आवाज आती है, क री, क्या बन गया ये क्री, ग और री की मात्रा ग्री, घ्री, त्री, ध्री, नृ, ठीक है। इसी प्रकार नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, उनको भी पढ़ते हैं। इनके साथ भी हमने री की मात्रा लगाई है, प क्री, प्री, फ्री, भ्री, म्री, ल्री, व्री, श्री, ह्री और श्री। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण थे। आगे चलते हैं, मिलाकर पढ़े। अब जैसे पहला शब्द है ग्री जमा ह, क्या बनेगा, गृह, मतलब घर। दूसरा चित्र देखें, घी का चित्र है ना ये, तो इससे क्या शब्द बनता है, ये घ्री जमा त घृत, ठीक है। तो घी को हम घृत भी बोलते हैं। शब्द पढ़ो, मृग मृग, त्री न तृण, हरी द य हृदय, अमृत अमृत। तो इस प्रकार आपने इन शब्दों को पढ़ना है और पढ़कर अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखना है। आगे चलते हैं, इन शब्दों को भी पढ़ने का प्रयास करें। घृणा, मातृ, पितृ, नृप, वृक्ष, पृथ्वी, कृपा, भृगु, कृषक, अमृत, सृजन, कृपालु, ऋषभ, बृहद, तृतीय, कृपाण, मृदुल, ऋषि, नृत्य। अब इन्हें भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कृतज्ञ पृथक, कर्मी मृत, दृढ़, ऋण मृणालिनी, वृक्षावली, मृत्यु, कृष्ण, वृत्त, गृह, भृत, वृथा, मृदा। तो इस प्रकार आपने इन शब्दों की पढ़ने की और लिखने का अभ्यास आपको करना है। आगे चलते हैं, वाक्य पढ़ो। घृणा मत करो, ऋषि आया, पृथ्वी गोल है, वृक्ष बाग में खड़े हैं, ऋचा खाना खा। आगे मृग, एक कहानी पढ़ते हैं छोटी सी। मृग तृण चर
रहा है, मृग तृण चर रहा है। मृग एक ऋषि का है, उसकी गृहिणी का नाम अमृता है, वह बड़ी कृपालु है। एक नृप आया, वह मृग का शिकार करना चाहता था। मृग वृक्ष के पीछे छिप गया। तभी ऋषि आया, उसने आकर मृग को बचाया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आगे चलते हैं। सुमृत ऋषि आया, साथ में एक मृग लाया, उसके लिए वह तृण लाया, उसने हवन कराया। हवन के लिए वह घृत लाया, तभी एक नृप आया। ऋषि बोले, कृतज्ञ बन, कृपालु बन, मृदुल बन, घृणा मत कर, हृदय दृढ़ रख। आप सभी को इस पाठ को बार बार लिखना है, ठीक है। इसमें जितनी भी पंक्तियाँ दी गई हैं, जितने भी शब्द दिए गए हैं, उनको बार बार कॉपी में लिखकर उनको बोलने का अभ्यास करना है, उनको लिखने का अभ्यास करना है। यही आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।